बस में अज्ञात कारणों से अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी मुताबिक जब ड्राइवर कंडक्टर रात को बस में सो रहे थे तो धुएं की वजह से उनका दम घुटने लगा और दोनों जान बचाकर भागे। नीचे उतरकर देखा तो आधे से ज्यादा बस जल चुकी थी। उन्होंने फौरन दमकल विभाग को फोन किया और मौके पर गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक गाड़ी पहुंचती तो ज्यादातर बस जल चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया। कल 9 बजे के लगभग गाड़ी खराब हो गई थी, ब्रेक डाउन हो गई थी और वर्कशॉप से मिस्त्री आया, विभाग को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन क्रेन वगैरह कुछ नहीं आई। यहीं शाम होगी, रात को ही हम गाड़ी में ही सो गए और किन कारणों से आग लगी इसका पता नहीं। हमारा दम घुटने लगा, गाड़ी में धुआं और आग देखी तो हम नीचे अपनी जान बचा के उतरे और हमने फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया हुआ है। फायर तो पता लगा वो कारणों का कैसे? नहीं नहीं जी, अज्ञात कारण है, कोई पता नहीं कारण का। किस वक्त घटना है ये? 2:30-3 बजे के लगभग की बात है। ये पता नहीं जी किस वजह से लगी। हम जब सुबह यहाँ वॉक के लिए निकले तो हमने देखा आग जली हुई थी और फायर ब्रिगेड पास में ही खड़ी थी उस समय, और ड्राइवर कंडक्टर ये यहीं पे मौके पे ही थे। हमने इनसे पूछा कि कैसे लगी आग, कहने लगे कि हम पिछली सीट पे सो रहे थे लेकिन अज्ञात कारणों से आधे से ज़्यादा बस में आग लग गई थी, तो हमने फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म किया और अज्ञात कारणों से इसमें जो है आग लगी है। हमने देखा कि यहाँ सभी सारी की सारी बसें बस जो है जल चुकी थी।